धनुष को वहीं पर पटक करके चला गया, अपने स्थान पर बैठ गया। अब क्या होगा? सभा में जो ब्राह्मण वर्ग बैठे थे उनमें से एक युवक खड़ा हो गया। ब्राह्मण वेशधारी वह युवक खड़ा होकर के जैसे आगे चलने लगा तो क्षत्रियों में से आवाज आने लगी, है पंडित कहां जा रहे हो यार, ये आपका काम थोड़ी है। कुछ ब्राह्मण कहने लगे, अरे अपने भाग्य को आजमाओ जाओ। अरे उल्टा सीधा सोशल माइंड क्या होता है इसका पूरा वर्णन यहां पर है। कुछ कहते जाओ, कुछ कहते मत जाओ। अर्जुन क्या कर रहा है? अर्जुन का किसी की ओर ध्यान नहीं है। अर्जुन अपने मन में केवल एक ही बात का जप करता जा रहा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अर्जुन शिव जी का भक्त है। लक्ष्य उसके सामने पक्का है। उसके कानों तक ये सारे शब्द गए ही नहीं, वो वहां पर पहुंचा। उस धनुष की ओर देखा, और अर्जुन के मन में एक विचार आया, कृष्ण कृष्णं च मनसा कृत्वा अभी तक अर्जुन ने कृष्ण को देखा नहीं है, लेकिन कुंती माता रोज रोज अपने प्रिय पांडवों को एक बात बतलाती है, अरे दुख के कुछ दिन निकाल लो, एक दिन कृष्ण तुमसे मिलेंगे और वे सारे दुखों को दूर कर देंगे। वसुदेव जी की बहन है कुंती। मेरा भतीजा, उसने जन्म लेकर के अपने माता पिता को बंदीवास से मुक्त किया, कितने पापियों का नाश किया, अभी तक वो यहां पर नहीं पहुंचा है, लेकिन आप चिंता मत करना, एक न एक दिन कृष्ण आकर के आपको संभालेंगे। ये कुंती माता बोलती और पांडव सुनते, जिस कृष्ण को देखा नहीं था उस कृष्ण को अर्जुन याद कर रहे हैं। कृष्णं च मनसा कृत्वा, संजोग की बात, उस सभा में कृष्ण उपस्थित थे, दूर से कृष्ण देख रहे थे। पांडव वारणावत की अग्नि में जल चुके हैं, इस अफवाह को सत्य मान करके लोगों में जो चर्चाएं चली थी, भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी अपने पुत्रों से कहते कि अरे क्या हो गया मेरी बहन का, क्या हो गया मेरे बहन के पुत्रों का, जरा खोजो तलाश करो, इसलिए भगवान वहां पर आए थे। महात्मा वैशंपायन महाराज वर्णन करते हैं, कृष्णं च मनसा कृत्वा जगृहे चार्जुनो धनु अथोदतिष्ठद् विप्राणां मध्याद्यष्टुरुदारधी।
कृष्णं च मनसा कृत्वा जगृहे चार्जुनो धनु। अर्जुन जब उस धनुष को उठा रहे थे, अपने नीले नीले नेत्रों से कृष्ण अर्जुन की ओर देख रहे थे। अर्जुन को पता नहीं है कि कृष्ण यहां पर आए हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों वहां पर आए हुए थे और महाभारतकार सुंदर वर्णन करते हैं, अर्जुन के केवल चलने की शैली को देखा, उसके झुकने की शैली को देखा, उसने धनुष को हाथ लगाया और कृष्ण भगवान बलराम जी की जंघा पर हाथ ठोक करके कहते, दाओ भैया, ये अर्जुन है, ये अर्जुन है। यदि मैं वसुदेव जी का पुत्र हूं तो ये पक्के अर्जुन है। भगवान अर्जुन की ओर देख रहे हैं, अर्जुन भगवान को याद कर रहे हैं और अर्जुन ने जैसे झुक करके उस धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और मत्स्यवेद लक्ष्यवेद कर दिया। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। एकाएक वाद्यों का निनाद आरंभ हुआ। अर्जुन ने मत्स्यवेद कर दिया था। सखियों के मध्य में भगवती द्रौपदी सामने आती है, वो माल्यार्पण करती हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लेकिन प्रसंग बड़ा विचित्र खड़ा हो जाता है। लोगों ने आपत्ति उठाई, हम नहीं होने देंगे ये विवाह, हम नहीं होने देंगे। अब सब लोगों को तो आपत्ति थी नहीं, लेकिन कौरवों को थी। आश्चर्य की बात यह है, यह सारा दृश्य देखते समय अर्जुन तो मंच के ऊपर है, तीनों भाई, चारों भाई अलग से बैठे हुए हैं ब्राह्मण रूप में। भीमसेन ने धर्मराज, नकुल और सहदेव तीनों से कहा, अब आप तीनों यहां से खिसक जाओ, अब यहां पर जो होगा हम देखेंगे, आपका यहां पर रहना ठीक नहीं, आप जाओ, नुक्कड़ पर प्रतीक्षा करो, हम आते हैं। और आश्चर्य की बात बताता हूं आपको, ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन के साथ कर्ण ने युद्ध करना आरंभ किया और ब्राह्मण वेश में युद्ध करते हुए अर्जुन ने कर्ण का पराभव किया। आप कर्ण के पराभव गिनते ही जाइए। भीमसेन ने पेड़ उखाड़ लिए, लोगों को धराशायी किया, भगाया और उसके पश्चात भगवती द्रौपदी को लेकर के भीमसेन और अर्जुन नुक्कड़ पर खड़े अपने भाइयों के पास आकर के पहुंचते हैं और कुमार की कर्मशाला में प्रवेश करते समय जब धर्मराज ने कहा कि मां देखो हम कैसी अद्भुत भिक्षा लेकर के आए हैं, तो मां ने कहा पांचों भाई बांट लो भैया। द्रौपदी को देख करके कुंती माता बड़ी प्रसन्न हुई। कुमार की कर्मशाला में द्रौपदी का उस दिन का निवास है।
रात्रि का समय हुआ है। पांच पांडव, भगवती, कुंती माता और द्रौपदी, इन सबको मिला करके एक ही कमरे में, बड़ी कर्मशाला में रात्रि गुजारनी है। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, तो भीमसेन ने पूछा कौन है। बाहर से जादुई आवाज आई, बुआ दरवाजा खोलो, मैं केशव आया हूं। दौड़ करके सहदेव ने दरवाजा खोला और मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण भगवान बलराम जी के साथ अंदर प्रविष्ट हुए। कृष्ण ने आते ही कुंती माता के चरणों में प्रणाम किया। कृष्ण को देखा, जैसे ही भगवान ने कहा मां मैं केशव, कुंती माता के नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। माता ने कहा केशव, केशव, और तुम्हें देख करके मेरा जी शांत हो रहा। केशव, एक एक दिन, एक एक क्षण केवल तुम्हें याद करके मैं जीवन जी रही हूं। कोई अपराध नहीं किया था इन बच्चों ने। इनके पिताजी के मृत्यु के पश्चात सब कुछ इनका होने पर भी इधर उधर भटक रहे हैं। जहर के लड्डू खिला करके मारने का प्रयास, आग में जला करके मारने का प्रयास, मैं थक गई। इन बच्चों से पूछो केशव, मैं एक ही बात कहती रही कि कुछ समय प्रतीक्षा करो, आपके जीवन में कृष्ण आवेंगे और जिस दिन कृष्ण आवेंगे उस दिन से आपका विजय का मार्ग प्रशस्त होगा। भगवान बोले, बुआ वारणावत के प्रसंग का पिताजी पर बहुत परिणाम हुआ। रात दिन रोते हैं तुम्हें याद करके, हमें चैन से घर में रहने नहीं दिया, कहा जाओ मेरी बहन और मेरे भतीजों का। पता लगाओ, मैंने सोच लिया था कि द्रौपदी के स्वयंवर के प्रसंग में आप लोग पहुंचेंगे, इसलिए हम लोग यहां पर आकर के उपस्थित रहे और मिलना हो गया। बुआ चिंता मत करो, अब सब ठीक होगा। बुआ मुझे लौटना चाहिए जल्दी, क्योंकि गुप्तचर मेरे पीछे पड़े हुए, मुझे पता है, फिर कल मिलूंगा, चलता हूं। बलराम जी ने और भगवान श्री कृष्ण ने, दोनों ने कुंती माता के चरणों में मस्तक रखा, प्रणाम किया, आंसू भरे नेत्रों से
भगवान श्री कृष्ण के केश कलापों में अपना हाथ फेरती हुई कुंती माता आशीर्वाद देती है और यही कहती है कि आज से मैं इस कार्य से निवृत्त हुई, अब इनके रक्षक तुम हो केशव। प्रभु ने धर्मराज को प्रणाम किया, कृष्ण ने भीमसेन को भी प्रणाम किया। ये दोनों कृष्ण भगवान से बड़े हैं। नकुल और सहदेव ने कृष्ण भगवान को प्रणाम किया, वे दोनों कृष्ण भगवान से छोटे हैं। और अर्जुन और कृष्ण जैसे ही एक दूसरे के सामने खड़े हुए, दोनों ने एक दूसरे को अपने परस्पर आलिंगन में बांध लिया। नर नारायण भगवान की जय। महाभारत की कथा नर और नारायण की कथा है। नारायण के रूप में साक्षात कृष्ण है और नर के रूप में अर्जुन है। इन दोनों के द्वारा किए गए धर्म संस्थापना के सूत्र का नाम महाभारत है। कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद।
कृष्ण गोविंद नारायण राए। महाभारत के मंगलाचरण में आप लोगों ने इस श्लोक को सुना ही है, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संपूर्ण महाभारत यह नर नारायण की लीला है। कृष्ण भगवान के रूप में साक्षात नारायण और अर्जुन के रूप में नर, इन दोनों के द्वारा धर्म की संस्थापना के लिए जो उपक्रम किए गए और जिसमें से मानव जीवन को अत्यंत विलक्षण शिक्षा प्राप्त हुई, उसी प्रवाह का नाम महाभारत है। दूसरे दिन माताजी की इच्छा के अनुसार और वैसे वेदव्यास जी महाराज की आज्ञा के अनुसार, अब विस्तार का समय नहीं है, लेकिन यद्यपि महाराज द्रुपद ने अपनी कन्या का विवाह पांचों पांडवों से करने से इनकार कर दिया था, भगवान वेदव्यास जी महाराज ने प्रकट होकर के वहां पर द्रुपद के अंतकरण की आशंकाओं को निर्मूल कर दिया और दिखा दिया कि यही होना कैसे अनिवार्य रहेगा। इसके लिए द्रौपदी का पूर्वजन्म भी उन्होंने दिखाया। भगवती द्रौपदी का पांचों पांडवों के साथ क्रमशः विवाह हुआ और इसके पश्चात एक बात लोगों के ध्यान में आ गई, क्या पांडव अकेले नहीं है। गुरु कृपा के पश्चात पांडवों की शक्ति का संवर्धन कैसे होने लगा, इसका सीधा सीधा यहां का उदाहरण। पहले पांडव अकेले थे, दर दर भटक रहे थे, अपने प्राणों को बचाने का भय था। अब पांडवों के साथ महाराज द्रुपद का भी बल है। और तीसरी बात, भगवान द्वारिकाधीश का भी बल अब पांडवों को उपलब्ध है। द्रौपदी के विवाह के प्रसंग के साथ साथ पांडव एक बड़ी सत्ता बनकर के उभरे हैं। हस्तिनापुर से पांडवों को निमंत्रण भेजा गया, विदुर जी आए और लौट आने के पश्चात, अब बीच में क्या बताऊं मैं आपको, पांडव जब पांचाल नगरी से हस्तिनापुर की ओर जा रहे थे, तो महाभारत की चांडाल चौकड़ी, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण, इनमें क्या खिचड़ी पकी है, ये सारा वर्णन यहां पर विस्तार से दिया है। कह रहे अभी पांडवों के पास सेना नहीं है, वो अकेले हैं, तुरंत हम लोगों को जाकर के उनके ऊपर आक्रमण करके उनको खत्म कर देना चाहिए, आदि आदि। किसी भी प्रकार पांडवों का जरा सा भी भला न हो, इसके लिए ये चारों लोग निरंतर प्रयत्नशील है और कर्ण भी उसमें है। और इस कर्ण को हमारे मूर्ख साहित्यिक सज्जन कहते हैं। उनकी सज्जनता की परिभाषा वैसी है। पांडवों का स्वागत हस्तिनापुर में पुनः हुआ और इसके पश्चात राजर्षि भीष्म ने स्वयं आगे होकर के एक चाल चली, धृतराष्ट्र से कह दिया कि भैया ये रात दिन का टंटा बखेड़ा ठीक नहीं है। इस प्रकार से एक दूसरे का
वध करने का प्रयास ये तो शोभा देने वाला नहीं है। अच्छी बात यह होगी कि आप राज्य का विभाजन कर दो, दो हिस्से कर दो। और चालाक धृतराष्ट्र ने सारे अच्छे शहर अपने पास लेकर के जो ऊसर भूमि थी वो पांडवों को प्रदान की। आज्ञांकित पांडवों ने उसका भी स्वीकार कर लिया। पांडवों को एक बात का विश्वास हो गया था कि चलो पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत और करेंगे, लेकिन अब स्वतंत्रता से अपने जीवन को महान बनाने का रास्ता मिल गया। विभाजन के पश्चात हस्तिनापुर कौरवों की राजधानी रही और पांडवों को राजधानी के रूप में जो शहर बसाना पड़ा उसका नाम है इंद्रप्रस्थ। जिसको आजकल आप लोग दिल्ली कहते हैं, दिल्ली ये सबसे पहले पांडवों की राजधानी बनी, ध्यान रखना। और तब से लेकर के इतिहास में इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली ही इस देश की राजधानी के रूप में चलती आई है। ये पांडवों की विशेषता। ऐसी बेला में एक और विचित्र घटना घटी। देवर्षि नारद जी महाराज का एक बार आगमन हुआ। स्वागत किया नारद जी का। नारद जी ने सबको आशीर्वाद आदि तो दिए, लेकिन महत्वपूर्ण बात बताई। आप अब स्वतंत्र राज्य के धनी हैं, अपने पुरुषार्थ से आप अपने राज्य को महान बना सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना भाई। अब मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों में झगड़े भी होंगे। मनुष्य के जीवन में झगड़ों के जो कारण होते हैं उसमें स्त्री एक महत्वपूर्ण कारण है। द्रौपदी को लेकर के आप लोगों में कलह हो सकता है। आप ऐसा मत कहिएगा कि हम सारे भाई इतने एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार है कि हमें कभी कलह होगा नहीं। मैं इसको मानता नहीं। और नारद जी ने एक कहानी सुनाई। नारद जी को कहानियां बहुत आती, सुंदर उपसुंदर दोनों भयंकर दैत्यों को मरवाने के लिए कैसे ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा का निर्माण किया और अत्यंत प्रेम करने वाले दोनों भाई एक तिलोत्तमा के कारण एक दूसरे को मार करके ही थमे। यह लंबा इतिहास नारद जी ने सुनाया और कहा कि इसलिए मैं आपसे एक बात कहने के लिए आया हूं। माइंड वेल। यद्यपि द्रौपदी आपकी सबकी पत्नी है, लेकिन ध्यान ये रखना, वर्ष में केवल 2 मास और 12 दिन इतनी अवधि के लिए ही द्रौपदी की ओर आप पत्नी के रूप में देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, अन्य किसी के साथ द्रौपदी हो ऐसे समय में यदि कोई वहां पर चला जाता है उसको 12 वर्ष का वनवास उसकी सजा भुगतनी चाहिए। आपको यदि
अपने घर को बचाए रखना है, संगठन रखना है, तो इसका स्वीकार करना पड़ेगा। मुझे आपको केवल इतना बतलाना है, यदि पांडवों के स्थान पर हम होते तो हम क्या करते? हम तो नारद जी को यही कहते कि सर, इट्स आवर पर्सनल इश्यू, फैमिली इश्यू, व्हाई आर यू बॉदरिंग। आप पांडवों ने ये नहीं किया। पांडवों को पता है कि नारद जी महाराज जैसा निस्वार्थ व्यक्ति जब एक परामर्श हमें दे रहा है तो हमारे कल्याण के लिए ही है। पांडवों ने शिरसा वंदे माना। आगे चल करके आप देखेंगे, बहुत छोटी सी बात मैत्रेय ऋषि ने बताई थी दुर्योधन को। दुर्योधन ने मैत्रेय मुनि का अपमान किया। मैं अपने जीवन में किसकी बात मानूं, किसकी बात न मानूं, इसका विवेक आवश्यक है। भगवान वैशंपायन महाराज वर्णन करते हैं, धन्य है अर्जुन जो स्वयं एक ब्राह्मण दौड़ता हुआ आकर के कहता है कि मेरी गौओं को चोर भगा करके ले जा रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। अर्जुन के सामने प्रश्न खड़ा है कि यदि मैं इस समय इन गौओं को नहीं बचाता हूं तो ब्राह्मण देवता मरेंगे। बचाने के लिए धनुष लाने के लिए जाता हूं। धर्मराज और द्रौपदी बैठे हुए हैं, मुझे 12 वर्ष का वनवास स्वीकारना पड़ेगा। क्या किया अर्जुन ने? अर्जुन के स्थान पर हम होते तो हम यही कहते कि महाराज आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सॉरी, मैं क्या कर सकता हूं, अब वो धनुष अंदर है और मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूं। अर्जुन की विशेषता, अर्जुन ने विचार किया, अरे ब्राह्मण के प्राण बचाना मुझे आवश्यक है। तुरंत अर्जुन भीतर गए, अपने शस्त्र लेकर के आए, चोरों का पीछा किया, गोमाताओं को मुक्त किया, ब्राह्मण देवता के आशीर्वाद प्राप्त किए। और इसका परिणाम, सभी के नहीं कहने पर भी अर्जुन को स्वयं अपनी इच्छा से 12 वर्ष का वनवास स्वीकारने के लिए निकलना आवश्यक हो गया। सबने नहीं कहा था, अर्जुन ने कहा नहीं, जो नियम बन गया बन गया। लेकिन आपको एक बात बताता हूं, धर्म के लिए जो इस प्रकार रिस्क लेता है, साहस करता है, भगवान उसका कल्याण के बिना रहते नहीं। विप्र देनुहित संकट सहि, संतों का वर्णन करते समय गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ब्राह्मण्य की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, गोमाता की रक्षा के लिए जीवन में कभी कोई रिस्क मुझे लेनी भी पड़ती है, उसको लेने में ही पुरुषार्थ है। इन्हीं 12 वर्षों में अर्जुन के जीवन में वो घटनाएं घटी जिन घटनाओं के कारण सारे पांडवों में अर्जुन सर्वश्रेष्ठ हो गए। और उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण की घटना यह है, इन्हीं वर्षों के पूर्ण होते होते अपने आप भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी महाराज की बहन भगवती सुभद्रा के साथ अर्जुन का मंगल विवाह संपन्न हुआ।
अर्जुन और सुभद्रा के विवाह का महत्व हमारे हमारी दृष्टि से यह है कि इन्हीं को आगे चल करके जो पुत्र होता है उसका नाम अभिमन्यु, और अभिमन्यु और उत्तरा के जो पुत्र होते हैं उन्हीं का नाम परीक्षित, और परीक्षित के जो पुत्र है वही जन्मेजय जो इस ग्रंथ के श्रोता है। सारे पांडवों में केवल यही एक धारा बची जिनका वंश बचा है, और वह प्राप्ति हुई है अर्जुन को इस वनवास काल में, और ये भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से हुआ। क्यों? अर्जुन ने धर्म के लिए सब कुछ त्यागना चाहा। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। मेरा धर्म यह है कि मैं इस ब्राह्मण की रक्षा करूं, यह सोच करके अर्जुन चल पड़े थे। उदात्त हेतु लेकर के उदात्त कल संकल्पों के साथ जो आगे बढ़ता है, परमात्मा अपने आप उसके शुभ संकल्पों को पूर्ण करते हैं और उसके जीवन में मांगल्य की सृष्टि भी अपने आप होती जाती है। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। महाभारत की यह मंगल कथा मानवत के पूर्वाल परिवार के माध्यम से ढाले गांव में समर्थ वेद विद्यालय और संत महात्मा जी महाराज की छत्र छाया में हम लोग देख रहे हैं, और लगभग 1.5 वर्ष के पश्चात पुनः कथाओं का यह अवरोध समाप्त हो रहा है। अपने मन की एक बात मैं जाते जाते 1 मिनट में केवल कह देता हूं। लगातार इतने वर्षों तक आप सब लोगों को पता है कि महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान पूरे देश में वेद विद्यालयों की स्थापना करता रहा। जम्मू से लेकर के मणिपुर तक 32 वेद विद्यालयों का जाल महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान ने बिछा दिया। हम वेदों की रक्षा करना चाहते हैं, वेद ही हमारा धन है, और इस बात को लेकर के अगला कदम हम लोगों का ये था हम वेदश्री तपोवन को निर्माण करें, जो वेद विद्यालयों से निकले हुए बालकों को उच्च शिक्षा प्रदान कर सकता है वेदांग वेदांत और वेदार्थ की, और इसमें से सांस्कृतिक नेतृत्व निर्माण हो सकता है। आरंदी के समीप वेदश्री तपोवन का यह प्रकल्प, इसका निर्माण कार्य आरंभ हुआ। कोविड के कारण कुछ गतिरोध भी हुआ, लेकिन अब वो पूर्णता की ओर अग्रसर है। हम आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहते हैं हमारी संपूर्ण भारतीय संस्कृति जिन वेदों के ऊपर खड़ी है और जिन वेदों के दिव्य ज्ञान का आज सारे संसार में अत्यंत बड़ा बोलबाला है, और सारे संसार का ध्यान जिन वेदों की ओर अब आ रहा है, बहुत बड़ी मात्रा में आ भी चुका है, उन वेदों के छिपे हुए रहस्यों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह वेदश्री तपोवन है। उनमें से उत्तमोत्तम अध्यापकों का निर्माण करना और वैदिक परंपरा के प्रचारकों का निर्माण करना, सांस्कृतिक नेतृत्व कल्चरल लीडरशिप कैसी होती है आदर्श, यह संसार के सामने रखना, इस उद्देश्य को लेकर के हम लोग चले हैं। काम तो परमात्मा की सेवा का है, परमात्मा उसे पूर्ण करेंगे ही,
हमारा विश्वास है। बहुत दिनों से लोगों के साथ संपर्क ही नहीं हो पाया, अब संपर्क पुनः आरंभ हुआ है।